हिंदू महासभा का कार्यकर्ता बनाया और शास्त्रों से और शस्त्रों से रू कराने की जो विद्या उन्होंने हमें दी है उसके लिए हम उनके जीवन पर ऋणी रहेंगे। तो साथियों, आज के दिन हम सभी हिंदू महासभाई श्री नाथुराम गोडसे जी को याद करते हुए, श्री नारायण राणा आप्टे जी को याद करते हुए ये वचन देते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ एक उंगली उठाएगा तो हम पंजा मारकर उसका मुंह बिगाड़ देंगे, क्योंकि हमारी नीति वो नहीं है कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। हमारी नीति रही है कि कोई की तरफ एक उंगली उठाए तो उसकी तरफ पंजा बढ़ाकर उसका मुंह नोच लो। तो साथियों, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्रों को उठाना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अपने ओजस्वी विचारों से पंडित अशोक कुमार शर्मा जी हमें संबोधित करें और अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। गदा है, धनुष बाण है, लाठी है। आप ये मानिए कि हम जब भी पिछले 45 सालों से हिंदू महासभा एक ध्वज यात्रा निकलती है जो मेरठ के प्राचीन चंडी देवी मंदिर जाती है, तो उस पूरी यात्रा के रास्ते में हमारे साथ हजारों चलने वाले कार्यकर्ता खुलेआम तलवारों का, गधे का और बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शन करते चलते हैं। और ये हथियार चलाने की सबसे बड़ी कला ये होती है कि मैं तलवार चलाऊंगा तो आप देखेंगे ना तो मुझे लगेगी, पर मेरे दुश्मनों का गला भी कटेगा, उनके हाथ भी कटेंगे, उनका मुंह भी कटेगा। तो हम ये उस तरह का हथियार चलाना सिखाएंगे और सभी भारत के वासियों से निवेदन करते हैं कि आज विजयदशमी के दिन ये संकल्प लें कि अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर हमें जब भी हथियार उठाने पड़ेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि गांधी बात को हराना है तो हथियारों को उठाना पड़ेगा, गौर से बात को अपनाना पड़ेगा। आप ये देखिए, आज सेना के जवान गन मशीन रखते हैं, पुलिस के जवान बंदूक रखते हैं। अरे भाई, गांधी का जैसे चरखे दे दो। तो इसीलिए जब पुलिस हथियार रख सकती है, मिलिट्री हथियार रख सकती है, खूफिया एजेंसी हथियार रख सकती हैं, तो क्या हम अपने प्राचीन हथियार नहीं रख सकते? क्योंकि ये वेद नहीं है, ये अवैध नहीं है, ये वैध है। आप इन्हें रखिए और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू महासभा सहयोग कीजिए। इसी के साथ विजयदशमी की एक बात बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंदू राष्ट्र। नाथुराम गोडसे अमर रहे, नाना आप्टे अमर रहे। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से सभी भारतवासियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को मेरठ की ऐतिहासिक पौराणिक इस पावन धरती पर जहाँ विश्व की सर्वप्रथम नाथुराम गोडसे जी की पूज्य प्रतिमा स्थापित है, नाना आप्टे जी की पूज्य प्रतिमा स्थापित होने वाली है, उस पूज्य स्थान पर 30 जनवरी जिस दिन हम शौर्य दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमारे नाथुराम गोडसे ने गांधी का वध किया था, मेरठ की ऐतिहासिक भूमि पर हमें एक पौराणिक पारंपरिक प्रचीन अस्त्र शस्त्रों को चलाने के लिए ज्ञान सार आरम्भ कर रहे हैं, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो युवा आज नशे की गिरफ्त में आ चुका है, जो युवा आज अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं संभाल पा रहा है, अगर उस युवा को जरा सा भी हथियार चलाना सीखना है तो हथियार चलाने के लिए हिंदू महासभा के लोग उसे भाला, तलवार, गदा, धनुष बाण, लाठी डंडे उसे उपलब्ध कराएंगे और उसकी पारंपरिक विद्या से भी उसे निपुण तरीके से हम जो पक्का करेंगे, ताकि समय आने पर अगर कोई भी हिंदू विरोधी ताकत अगर भारत पर हमला करती है, हिंदुत्व पर हमला करती है, तो वो लोग उसका सशक्त शक्ति के साथ सामना कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आज ये घोषणा करी कि आने वाली 30 तारीख को 30 जनवरी जिस दिन हम अपने गांधी को मारा था उन्होंने गोडसे जी ने, तो उस दिन हम बलिदान हम जो शौर्य दिवस मनाते हैं उस दिन हम इसको मनाएंगे और सभी भारतवासियों से कहना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों में भी लिखा कि शस्त्र उठाना जरूरी है। शस्त्र गनमशीन नहीं है, बंदूक नहीं है, तोप नहीं है, हैंड ग्रेनेड नहीं है, तलवार भी है, भाला भी है, धनुष बाण भी है। तो आप सभी से निवेदन है, जो लोग 100 रुपये कमाते हैं, कहना गुरु जी का कि 100 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये हथियार जरूर लें, परिवार की रक्षा के लिए हथियार जरूर लें, क्योंकि हमारे सभी देवी देवता भी हथियारों को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हिंदू महासभा कोई आयु वर्ग रखा गया है? आयु वर्ग कोई नहीं है, जो बच्चा 5 साल से लेकर और जो आदमी 45 साल तक का हमारे इस ज्ञान शाला में आना चाहता है उसका स्वागत है, हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। उसके पास पैसा है तो उसका फिर भी स्वागत है, वो पैसा नहीं है फिर भी स्वागत है, हम निःशुल्क इस तरह की व्यवस्था करेंगे। जैसे गुरु जी ने बताया 20 तारीख के बाद पूरे हफ्ते में एक दिन ज्ञान शाला चला करेगी, उस दिन हम लाठी डंडा तलवार चलाना सिखाया करेंगे और लोगों को आत्मरक्षा कैसे की जाए इसके गुण देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ हमारे भारत से पौराणिक पारंपरिक हथियारों को चलाने के अखाड़े गायब होते जा रहे हैं। तो गुरु जी ने हमें एक लिस्ट दी है जिसमें हमने मेरठ सहित आसपास के जिलों से उन
निपुण आदमियों को ढूंढना शुरू कर दिया जो लाठी डंडे तलवार चलाने में जो एक्सपर्ट हैं, और उन लोगों के माध्यम से भारत के सभी युवाओं को एक निवेदन करते हैं कि आप आइए हिंदू महासभा कार्यालय के इस मेरठ में, हम